कोरोना पॉजिटिव मिला है। 30 वर्षीय व्यक्ति बताया गया है। अभी अभी कंचन टीवी की बात हुई है डॉक्टर विकास से। डॉक्टर विकास कोविड-19 के हेड हैं सफीदों में, और उन्होंने बताया कि 30 वर्षीय एक व्यक्ति जो एम्प्लॉयज कॉलोनी सफीदों में रहता है, जींद माफ कीजिएगा, पानीपत और सोनीपत दो जगह वो गारमेंट्स को सप्लाई करता है, और कल उसका सैंपल भेजा गया। आज जब रिपोर्ट आई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा डॉक्टर विकास ने कहा है। जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं, हम उनके लिए बता दें, सफीदों की एम्प्लॉयज कॉलोनी का 30 वर्षीय गारमेंट सप्लायर एक व्यक्ति है जो पानीपत और सोनीपत में अपने गारमेंट सप्लाई करता है। कल उसका एक सैंपल लिया गया था जिसकी रिपोर्ट आज आई है, और आज जब रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब अगली क्या कार्रवाई की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो भी मैं बता दूं। डॉक्टर विकास ने बताया है कि अब उनको घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा, और 4 से 5 दिन के बाद उनका दोबारा सैंपल लिया जाएगा। और सैंपल जब आता है उसमें देखना होगा कि क्या है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई पेशेंट मिलता है, कोरोना पॉजिटिव मिलता है, तो 4 से 5 दिन के बाद उसका दूसरा सैंपल कराया जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है, 4 से 5 दिन के बाद सैंपल किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए अपडेट ये है कि सफीदों में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल बहुत ही नॉर्मल सा माहौल सफीदों में लग रहा था, लेकिन फिर से एहतियात अब बरतनी होगी। लोगों को घर से कम निकलना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, मास्क तो हमारी जीवन का एक जरूरी अंग बन गया है। कंचन फाउंडेशन भी मास्क को प्रोत्साहित करने के लिए मास्क बनाओ प्रतियोगिता चला रही है। देशों से नहीं, विदेशों से भी उसमें पार्टिसिपेंट लोग भाग ले रहे हैं, तो आप सब भी भाग लीजिएगा, ताकि जो भारत सरकार की मुहिम है मास्क को बढ़ावा देने की, मास्क को जागरूक करने की, उसमें आप भी भागीदार बन सके। तो अभी हम बात कर रहे थे कोरोना पॉजिटिव मिलने की। सब जो दर्शक अभी जुड़े उनके लिए मैं फिर से बता दूं, 30 वर्षीय व्यक्ति एम्प्लॉयज कॉलोनी से है, गारमेंट सप्लायर है, पानीपत सोनीपत में सप्लाई देता था। कल उसका सैंपल गया और आज वो कोरोना पॉजिटिव निकला है। घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। सावधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। खुद को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए, घर से कम निकलिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को बार बार धोते रहिए, और मास्क 500 रुपये जुर्माना से बचने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पहनिए, अपनी और अपने परिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज चैनल पेज को हमारे लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, तो हमारे यूट्यूब चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचन टीवी देखने के लिए। आप देख रहे थे कंचन टीवी, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।